अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं अली वॉइस टीवी। दोस्तों, कहा जाता है कि खुद का ज़ाती घर होना, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अपने आप में एक बड़ी नेमत है। इसलिए बाज़ औक़ात हुकूमत जब कभी किसी इलाके में तरक्याती कामों का आगाज़ करती है तो बाज़ औक़ात चंद मालकान अपना मकान अच्छे दामों बेचने से भी इनकार कर देते हैं। आज की वीडियो में हम चंद ऐसे ही 6 मालकान की बात करेंगे जिन्होंने बड़ी रकम मिलने के बावजूद अपना घर खाली करने से इनकार कर दिया था। इस वजह से इन प्रोजेक्ट को इन घरों के इर्द गिर्द ही तमीर किया गया, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अली वॉइस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने सुनहरे बटन को क्लिक करें और साथ बने बेल के आइकन को भी आप कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर हाजिर होते रहते हैं। नंबर 6, यह है लोबोटन, जो जिद्दी तरीन हाउस ओनर से दुनिया भर में जाने जाते हैं। साल 2011 में ये सोशल मीडिया की हेडलाइंस में आए जब इन्होंने चाइना के शहर वीलैन में एक हाईवे की तमीर के लिए अपना घर या प्रॉपर्टी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। इनका मानना था कि इसके लिए जो रकम ऑफर की जा रही है वो नहायत कम है। कुछ किस्मती से चाइना के लॉ के मुताबिक ओनर की इजाज़त से बगैर इसे वहाँ से उठाया नहीं जा सकता, तो इसका कुछ हिस्सा गिरा कर इसको हाईवे बना दिया गया। लोग और इसकी वायर समेत तमाम किराएदारों ने बिल्डिंग खाली कर दी, मगर आखिरकार साल 2012 में हाईवे की तमीर के बाद मामला तय पाए और इसने 2,60,000 यून के इवज इस बिल्डिंग को खाली कर दिया, जिसके बाद इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। नंबर 5, चाइना के शहर नानिंग में यानिंग नामी गली में वाकया ये घर जिद और हट धर्मी की एक बेहतरीन मिसाल है। साल 2015 में जब अथॉरिटी ने यहाँ एक रोड बनाने का प्लान किया तो इस शख्स ने यहाँ से उठने से साफ इनकार कर दिया। बिलहाल रोड तो एक दिन बन ही गया, मगर इसका घर वहीं का वहीं खड़ा रहा और ट्रैफिक इसके घर के इर्द गिर्द से रवा दुआ थी। कई माह तक जब लोगों ने आड़ी चोटी का जोर लगाते रहे, बिलहाल चंद माह बाद किसी न किसी तरह ये शख्स एक अच्छा मुआवजा लेकर यहाँ से उठने के लिए राजी हो गया और इसके बाद इसके घर को गिरा कर इस रोड को क्लियर किया गया। नंबर 4, दोस्तों आप जरा इस अप स्टाइल घर को भी देखिए। ये घर एक उम्र रसीद हतून एडसन मैथस्वीट का है, जिसे चंद लाख रुपए का ये घर $1 मिलियन के इवज बेचने से भी इनकार कर दिया। असल में इस घर के इर्द गिर्द तमाम प्रॉपर्टी महंगे दामों बिक चुकी थी। मालकान यहाँ अजीमुल शान प्लाजे बनाना चाहते थे, मगर इस जिद्दी हतून के आगे सबको अपने हथियार डालना पड़े, इस वजह से यह प्रोजेक्ट कई साल तक इल्तवा का शिकार रहा। बिलाहर हकाम को अपने घुटने टेकने पड़े और इस बूढ़िया की 108 साल फार्म हाउस के गिर्द ही कम्प्लेक्स तमीर करना पड़ा। साल 2008 में इनकी डेथ होगी, मगर इसने मरने से पहले ही अपना घर अपने दोस्त बैरी मार्टिन के सपूत कर दिया था। तो दोस्तों, 2009 में बैरी मार्टिन ने ये घर 4.5 करोड़ रुपए के इवज फरोख्त कर दिया। नंबर 3, दोस्तों चाइना में कई ऐसे और भी वाकयात मिलते हैं जब लोगों ने नए तरक्याती कामों के लिए अपने घरों को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। बिलाहरा काम को इस जगह काम शुरू करवाना पड़े और ये प्रोजेक्ट इन इलाका मकीनों के घरों के ही गिर्द बनने शुरू हो गए। ऐसे घरों को नील हाउस का नाम दिया जाता है। ऐसा एक और नील हाउस चीन के शहर चुंगकैंग में है। जब इस शहर के अलावा तमाम लोगों ने यहाँ से नकल मकानी कर दी, मगर ये शहर यहाँ डटा रहा। इस शहर ने इत्तेजाज के दौरान अपने घर के गिर्द एक कौमी झंडा भी लगा रखा है। जब शहर ने डेवलपमेंट की तमाम ऑफर को ठुकरा दिया तो मजबूरन इसने यहाँ तमीरात का आगाज कर दिया और खुदाई शुरू कर दी। जब इसका घर तकरीबन गिरने के करीब था तो इसने 2007 में चंद माह बाद एक अच्छा एग्रीमेंट साइन कर लिया और यहाँ से नकल मकानी कर गया। नंबर 2, दोस्तों पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक हुकूमत ने जहाँ तरक्याती कामों का आगाज करना होता है, इस जगह को हुकूमत किसी भी वक्त औने दाम अदा करके खाली करवा सकती है, मगर चाइना के लॉ में यह मुमकिन नहीं है। इसकी बेहतरीन मिसाल आपको इस तस्वीर में नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि चीन में वाकया यह इमारत
मसरूफ तरीन रिंग रोड से गिरी हुई है। यह मंजर बिलाशुबा बहुत ही ज़्यादा मज़ायका हेज़ है, क्योंकि ये अथॉरिटी के हज़ार चाहने के बावजूद भी वो इस इलाके को हाली नहीं करवा पाई। मजबूरन अहकाम ने इस इमारत के गिर्द सड़कों का जाल बिछा दिया, जिस पर हज़ारों गाड़ियाँ एक वक्त में दौड़ती नज़र आ रही हैं। नंबर वन, दोस्तों आप ज़रा इस इमारत पर भी नज़र दौड़ाएं। ये इमारत एक जॉन नामी खतून की है, जिसे इसकी मर्जी का मुआवजा ना मिलने की वजह से इसने इमारत खाली करने से साफ इनकार कर दिया। डेवलपर इस जगह बिजनेस प्लाजा बनाना चाहता था, मगर इसके साथ मामला तय ना पा सके, हत्ता के इसका बिजली और गैस का कनेक्शन भी काट दिया गया, मगर ये वहाँ रहने को तैयार थी। कहा जाता है कि ये खातून काफ़ी अरसे तक वहाँ रही, जब तक इसे मुनासिब मुआवजा ना दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि कौन सी बिल्डिंग आपको ज़्यादा मज़ायका हेज लगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे अली वाइस टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को भी ऑल कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।